परम पूज्य शून्योजी महाराज मानवता मंदिर होशियारपुर और ओम सत्य मानवता मंदिर डकशई के आध्यात्मिक परमाध्यक्ष हैं। आपकी वाणी में वात्सल्य, करुणा और प्रेम की त्रिवेणी है। परम पूज्य परम संत शून्योजी महाराज ने योग, ध्यान, धारणा, समाधि, नाम स्मरण, गुण कीर्तन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि अनेक शास्त्रीय मंतव्यों को मानवता के कल्याण के लिए अपने प्रवचनों में व्यक्त किया है। तो आइए परम संत शून्य जी महाराज की वाणी में व्यक्त आध्यात्मिक सत्य का श्रवण करें। लय में आना ही जीवन है और लय का खो जाना मृत्यु है। एक रिदम, एक संगीत, सारे जीवन की उत्पत्ति संगीत से हुई है। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है। शब्द से सारा ब्रह्मांड निकला है, संगीत से ही उत्पत्ति हुई है। इसीलिए तुम्हारे रोम रोम में संगीत समाया हुआ है। तुम यहां मुझे सुन रहे हो, ये संगीत नहीं है, ये गद्दे में मैं बोल रहा हूं। अगर बाहर कोई संगीत लगा दे तो तुम उठ के चले जाओगे, तुम वो संगीत की तरह खिंच जाओगे, अपने आप उस संगीत को सुनने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारे अंतरात्मा में संगीत समाया हुआ है। तुम संगीत की औलाद हो, संगीत की उत्पत्ति हो, संगीत से निकला है इंसान, तो संगीत जन्मजात है। कोई ढोल बाहर बजने लगे तो तुम्हारे पांव थिरकने लगते हैं, तो पांव में घुंघरू बंध जाते हैं, तो तुम ताल देने लगते हो हाथों के साथ। क्या होता है, कोई नाच रहा है बहुत, तो तुम्हारे भीतर भी नाच पैदा हो जाता है, क्योंकि नाच है, शुरू से ही है। संगीत तुम्हारे भीतर है, ये अलग बात है कि तुमने दबा दिया है, पैसों के पीछे, रुपये के पीछे दौड़ते 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 दौड़ते, जैसे रुपया घिस गया है, जैसे वो नोट घिसे पिटे हो गए हैं, वैसे इंसान घिसा पिटा हो गया है, और वो संगीत दब सा गया है। वो है, शुरू से ही है। संगीत की उत्पत्ति फिर से हो जाए तुम्हारे जीवन में तो बाहर आने लगती है। ये जो सुरत शब्द योग है संतों का, जो कबीर साहब कहते थे कि सुरती को संभालो और सुरत शब्द योग दिया, ये क्या है? अपनी सुरत को शब्द में डबोना, उस शब्द का खुल जाना और उसी शब्द में एक लय हो जाना, उसी शब्द में डूब जाना, तो वो बहुत आनंददायक है। वो परम आनंद की अवस्था है, वही परमात्म तत्व का साक्षात्कार है। उसकी गूंज ओम की, ओंकार की गूंज से बहुत मिलती है, इसीलिए उसको हम करवाते हैं कि वो करो, और उसको बार 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 अपने भीतर गूंजाओ, ताकि तुम्हें इशारा मिले और वो गूंज भीतर की, अंदर की पैदा हो जाए। आज संगीत का कितना उपयोग हो रहा है, अस्पतालों में डॉक्टर कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी करीब करीब हर हॉस्पिटल में अब संगीत का बोलबाला है। ऐसा संगीत ईजाद कर लिया गया है जो कैंसर के मरीजों को ठीक कर देता है, जो बड़े बड़े लाइलाज बीमार हैं, जिनकी बीमारी लाइलाज है, उनको संगीत से राहत मिलने लगती है, उनके जीवन में अमृत उतरने लगता है, रोग शांत होने लगता है, क्योंकि संगीत मूल में है तुम्हारे। और मैंने कहा कि उखड़ जाना उस संगीत का बीमारी है, और उसका खो जाना मौत है। तो संगीत को जीवन में हमेशा संजोए रखो, उसको तिरोहित नहीं करना। संगीत से बहुत से ध्यान भी बनाए गए हैं, जिसको कुछ नहीं आता, जो कुछ नहीं कर सकता, न सिमरन कर सकता है, न ध्यान कर सकता है, न बैठ सकता है, न योग साध सकता है,
वो अगर संगीत के ऊपर ही ध्यान करने लगे तो उसको बहुत लाभ होगा, तो वो टिकने लगेगा, अपने में स्थित होने लगेगा, उसकी वृत्तियां ठहरने लगेंगी, उसका मन ठहरने लगेगा और उसके जीवन में आनंद उतरने लगेगा। क्योंकि जितना जितना मन तुम्हारा ठहरेगा उतना उतना आनंद भीतर प्रवेश करेगा। तो संगीत बजने लगता है तो संगीत के साथ तुम खो जाते हो, लेकिन संगीत को सुनते 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 संगीत ही हो जाओ और ऐसे हो जाओ कि बस संगीत के पार चले जाओ, पता ही ना लगे। कानों में नहीं, भीतर अंतरात्मा में संगीत समा जाए और तुम उसको देखने लगो जो सुनता है संगीत। तुम्हारी हमिंग जो हो रही थी अभी, उस हमिंग में इतना गहरे चले जाओ कि उस हमिंग को कौन सुन रहा है, कौन उसमें डूब रहा है, कौन उस हमिंग का आनंद ले रहा है, कौन उस शब्द का साक्षी है, उसको पकड़ो, उसको पहचान लो। तो तुम्हारा ध्यान हो गया तो तुम ध्यान में चले गए, और गहरे जाओ तो समाधि में उतर गए। तुम ध्यान के लिए यहाँ आए हो, इसको ध्यान शिविर कहते हैं। मैं कहा करता हूँ अक्सर कि ध्यान के शिविर नहीं हुआ करते, ध्यान तो जीवन है। ध्यान की चर्चाएं नहीं होती हैं, ध्यानी बनो। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम तपम, नास्ति ध्यानम समम ज्ञानम, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, तस्मात ध्यानम समाचरेत। ध्यान के बराबर कुछ नहीं है जगत में, ना तीर्थ है, ना यज्ञ है, ना कोई तप है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई अनुष्ठान है। इसलिए ध्यान में हो जाओ, ध्यान में चले जाओ, ध्यान ही बन जाओ। कब तक सुनते रहोगे कथाएं ध्यान की विधियां कब तक करते रहोगे, ध्यान ही बन जाओ। हर समय हर कर्म में उतरो तो ध्यानस्थ होकर के उतरो। उसी को कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणी संगम त्यक्त्वा धनंजया, जिसने संग ना रखा और योग में स्थित होकर के जो कर्म में उतरता है वो ध्यानस्थ है। उसी में कुशलता आती है कर्मों में, उसी से तुम कर्म में पारंगत होते हो और कर्म ध्यान बन जाता है और तुम सच में कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी बन करके पहुंचते हो वहां। तो योग की चर्चाएं व्यर्थ हैं, योगी बनो। योगी बनोगे तो उपयोगी होगे समाज के लिए, तो सहयोगी होगे समाज के लिए। तो यहां बनने आए हो, यहां सुनना सुनाना बंद करो, कहने का कोई अर्थ नहीं है यहां ज्यादा। मैंने तुम्हें बताया किस प्रकार से वो रास्ते हैं जिन रास्तों पे चल करके सबने पा लिया, सबने पा लिया, तो तुम क्यों नहीं पा सकते हो? तुम्हें भी देर नहीं करनी चाहिए। और मैंने कितने तुम्हें फार्मूले दिए, कितनी विधियां दी कि कोई ना कोई विधि तो टकरा जाए तुम्हारे जीवन के साथ, तुम्हारे अंदर के जो स्वर हैं उनके साथ कोई तो मेल खा जाए पद्धति और तुम्हें रुचे और तुम उसी को पकड़ करके पहुंच जाओ। लेकिन मैं देखता हूं कि उसके लिए जो अनिवार्यताएं हैं, जो बहुत जरूरी कदम हैं, वो क्या तुम चलते हो कि नहीं चलते हो? अब जैसे तुम यहां आए हो, क्यों आए हो, कौन सी प्यास है, कौन सी तड़प है? क्या सच में कोई तड़प है, क्या सच में कोई प्यास है? सबसे पहली बात है प्यास का पैदा होना। प्यास है तो पानी का आयोजन हो सकता है, भूख है तो भोजन मिलेगा। इस जगत में, इस प्रकृति में, इस परमात्मा के विधान में कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई प्यासा नहीं रह सकता। भूख बाद में लगती है,
भोजन का आयोजन पहले हो जाता है। बच्चा अभी आता नहीं इस जगत में तो मां के स्तन उसका प्रमाण देने लगते हैं कि उसका भोजन तैयार है। तुम्हें सच में भूख लगी है तो भोजन मिल सकता है, तुम सच्चे प्यासे हो तो पानी मौजूद है तो प्यास बुझ सकती है। वो तो बह रही है, नदियां तो बह रही है, जो झुक जाए और भर ले उसको अपने कंठ में वो तृप्त हो जाएगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी। अब वो छलांग लेके तुम्हारे भीतर नहीं आएगी, तुम्हें झुकना होगा, तुम्हें रुकना होगा, और जहां तुम रुके जहां तुम झुके वहीं वो अमृत तुम्हारे भीतर प्रवेश पा जाता है और तुम तृप्त हो जाते हो, वो तुम्हारी सारी प्यास जीवन की बुझ जाती है। तो पहले ये प्रश्न करो अपने आप से कि तुम्हें प्यास लगी है। बहुत से लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं कौतूहलवश कि चलो महाराज जी कुछ बताएंगे, हम भी कुछ सीख के आते हैं, सीख के आते हैं, मैं सिखाना नहीं जानता, ना मैं टीचर हूं, ना मैं अध्यापक हूं, ना मैं शिक्षक हूं, मैं कोई सिखाता नहीं किसी को कुछ। अगर बनना है, अगर होने आते हो कुछ तो मैं तैयार मिलता हूं। लेकिन लोग आ जाते हैं, किसी दूसरे कैंप में गए थे, वहां कुछ सीखा था, अब इस कैंप में जाके देखते हैं पवन कि इसमें क्या मिलता है, हैं? कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, फिर किताब में लिख लेंगे, फिर वो हमारा खजाना हो जाएगा, वो बन जाएगा। तुम्हारे खजाने ऐसे बनते हैं, ऐसे तुम इकट्ठे करते हो कूड़ा करकट, ये शब्द ये जो कुछ भी सुन रहे हो, जो भी शब्द सुन रहे हो या रुकावटें हैं, ये सब कूड़ा करकट हैं, बार बार कहता हूं। इन शब्दों के पार जाने के लिए तो मैं तुम्हें शब्द बोल रहा हूं, तुम्हारे साथ मैं शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि तुम शब्दों से टूटो, यही बार बार कह रहा हूं कि शब्द मत सुनो, तुम्हारे कानों को बंद करने के लिए शब्द तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन तुम्हारी लालसा उसी में है, हैं, कुछ को छोड़ करके। तो तुम कैसे आए हो? कुछ लोग दर्शक बन के आते हैं कि चलो देखते हैं तमाशा हो रहा है ना। ध्यान में तुम बहुत रोते हो, बहुत से लोग बिलखते हैं, वो जो दमित वासना है, वो जो रोग हैं भीतर के, वो विसर्जित होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, उनका रेचन होता है जो तुमने दबा रखा है, तो रोते हो। कोई हंसता है जोर जोर से, कोई पागलों की तरह नाचता है ध्यान में, तुमने देखा है, तो वो आ जाते हैं, हम भी देखते हैं क्या हो रहा है, और फिर बैठ करके उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। इस ख्याल से अगर आए हो तो प्यास नहीं है, प्यास है ही नहीं, और जब तक प्यास नहीं है तब तक कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बाहरें तो सब तुम्हारे लिए हैं, लेकिन क्या तड़प है भीतर, क्या पात्रता है, दूसरे शब्दों में मैं कहूं क्या मुमुक्षु हो, क्या मुमुक्षा है, क्या जिज्ञासा है, क्या अधिकारी हो? अधिकारी होना बड़ा आसान है, पात्रता जुटाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, बस तुम भर जाओ उसके प्रेम में, तड़पो कि जो मिलेगा नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। रात को नींद नहीं आती है उसके बगैर, वो प्रीतम के बिना नींद कैसे आ सकती है, सेज सलूनी है, अकेले हो उस सेज पर, जहां तुम्हारा प्रीतम होना चाहिए था वहां तुम अकेले कैसे सो जाते हो। जब तक ऐसी तड़प नहीं, जब तक वो इश्क नहीं जागता, जब तक वो प्रेम नहीं उदय होता उस परमात्मा के लिए, उस परम शक्ति के लिए, उस अपने प्यारे के लिए, तब तक सब तुम्हारी प्यास झूठी है। प्यास तो तुम्हारी चाय के लिए है, कॉफी के लिए है, तुम्हें मिल जाए कप एक चाय का, कॉफी का, तुम तृप्त हो। यहाँ पीछे हमने चाय बंद कर दी पिछले कैंप में, तो लोग तड़पने लगे, लेकर के आए सेक्रेटरी को मेरे पास, दूसरों को, महाराज जी चाय तो मिलनी चाहिए, प्यास चाय की है, प्यास के लिए तुम्हें दूसरे प्याले चाहिए,
वो जो भक्ति का प्याला है, वो जो प्रेम का प्याला है, परमात्मा के प्रेम का प्याला, वो किसको दरकार है? कौन उसके लिए ललायत है? उसको ढूंढता है सतगुरु। और तुम आ जाते हो, कैंप करके चले जाते हो, यहां बैठे हैं लोग जो दो दो तीन तीन कैंप कर चुके हैं। प्यास नहीं बुझती, प्यास इसलिए नहीं बुझती है कि प्यास थी ही नहीं, प्यास तुमने पैदा कर ली, या कहीं किताब से पढ़ लिया, या किसी से पूछ लिया, या किसी से जान लिया, तो बस चल पड़े। नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा पुकारे, तुम्हारे भीतर का रोम रोम पुकारे कि आओ आन मिलो मेरे प्रीतम, कि आओ परमात्मा के लिए उठे तुम्हारे हाथ आकाश की ओर, तुम्हारी प्रार्थना उसके लिए उठे, तुम तड़पो, तुम बिखलो। और जब तक वो मिल न जाए तब तक चैन से ना बैठो। परमदयाल जी महाराज 72 घंटे रोते रहे तब जाकर के दर्शन हुए। लगातार चैन नहीं पड़ता है। जिसकी तड़प है, जिसकी प्यास सच्ची है, वो जब तक प्यास न बुझ जाए, जब तक वही न मिल जाए, तब तक प्यास नहीं बुझती है। मीरा रोती है अपने गिरधर गोपाल के लिए, सखियां आती हैं, सहेलियां आती हैं, लोग आते हैं, घर वाले, क्यों मीरा क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, किसके लिए रो रही है, कौन है, यहां तो कोई दिखाई नहीं देता, ये मूर्ति फेंको यहां से। अपने हाथ में एक मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति रखी हुई है। फिर सोचते हैं शायद मीरा बीमार है, रोटी पानी नहीं खाती, सब छोड़ रखा है, नींद भी गुम हो गई, चली गई नींद भी, जीवन से तिरोहित हो गई, प्यास नहीं लगती है, रोती है, बीमार हो गई है। तो वैद्यों को बुलाते हैं कि देखें क्या है खराबी। तो मीरा हंसती है कि इनको मेरे दर्द का पता नहीं, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, मैं तो प्रेम दीवानी, इनको क्या पता इन अनाड़ियों को, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलिया नहीं कोई, मेरा वैद नहीं है यहां। मीरा की प्रभु पीड़ मिटे जब वैद संवरिया होए, वही परमात्मा ही स्वयं, वो सांवरिया ही स्वयं वैद्य बन के, डॉक्टर बन के उतरेगा, तो ही मेरी पीड़ समाप्त होगी, ये पीड़ा तो ही जाएगी, ये नहीं जा सकती। लोगों को समझ में नहीं आता, भक्त की दशा को दुनिया नहीं जानती, जो प्यासा है उसको कोई नहीं जानता, एक सतगुरु पहचान सकता है। दुनिया खिल्ली उड़ाती है, मजाक उड़ाती है, भक्त की दशा ही ऐसी है, उसका प्रेम ही भगवान के लिए ऐसा है। वो तो पल पल उसके आंसू गिरते हैं, वो तो आकाश में तारों को देखता है झिलमिलाते हुए, तो आकाश में उड़ने लगता है। वो देखता है किसी पक्षी को चहचहाते तो उसकी अपनी हूक निकलने लगती है। वो हवाओं को चलता देखता है, हवाएं टकराती हैं उसके द्वार पर, तो वो भागता है बाहर की ओर कि आए हैं प्रीतम, कि आया परमात्मा, खोलो द्वार। वो तो हर क्षण हर पल प्रतीक्षा में है। प्यास प्रगाढ़ है तो वो प्यास हो तो प्यास बुझाने वाला मिल जाता है।